वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपको इस वीडियो में ले जाएंगे हमारे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और ले चलते हैं आपको यहाँ के सबसे बड़े सुपरमार्केट में जिसका नाम है लीडर। चलिए चलते हैं। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए और यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं वेदर भी काफी सनी है। चलिए अब चलते हैं। शॉपिंग करने से पहले आपको कुछ दिखाते हैं। ये एक मशीन है जिसमें हम लोग अपना प्लास्टिक बॉटल्स इंसर्ट करते हैं और उसके बदले में हमें एक कूपन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉटल्स पे ये ऐसा लोगो बना रहता है अगर, तो ये सब बॉटल्स रिसाइकलेबल है और यही सब बॉटल्स इस मशीन में एक्सेप्ट होगी। जस्ट आपको एक एक करके अपना सारा बॉटल्स इसी मशीन में इंसर्ट करना है और आपको हर एक बॉटल के लिए 25 सेंट्स मिलेगा। और जब आपका सारा बॉटल्स इंसर्ट हो जाए तब आपको इसी मशीन से एक कूपन मिलेगा जो कि आप अपने शॉपिंग के एंड में बिलिंग काउंटर में जाके रिडीम कर सकते हैं। तो शॉपिंग करने से पहले कार्ट ले लेते हैं और अभी कोविड के टाइम पे ये कार्ट सब कस्टमर्स के लिए मैंडेटरी किया गया है और यही कार्ट है जिससे आप को और दूसरे कस्टमर्स के बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस मैनेज किया जाएगा और ये कार्ट लॉक किया हुआ पाया जाता है जिसमें आपको एटलीस्ट 50 सेंट्स का कॉइन इंसर्ट करने से वो कार्ट अनलॉक होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर टॉवल और हैंड सैनिटाइजर भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको ले चलते हैं सबसे पहले वेजिटेबल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से शुरू होता है वेजिटेबल्स का सेक्शन। आलू 2 किलो का पैकेट यहाँ पे 1.39 यूरो का और प्याज यहाँ पे 1.29 यूरो का है। और इसके साथ चलिए आपको दिखाते हैं लहसुन। लहसुन यहाँ पे 4 पीस का पैकेट 1.29 यूरो का मिलता है। और भी बाद बाकी सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं जैसे बीन्स आप देख सकते हैं 2 वेराइटीज़ में है। कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टोमेटो, कैरेट सब कुछ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है अलग अलग वेराइटीज़ में अलग अलग प्राइस रेंज में। और कैप्सिकम आप देख सकते हैं 3-4 पीस का पैकेट में है। एक तो है 2.49 यूरो का और एक है 2.29 यूरो का। तो ये रहा ब्रेड्स का सेक्शन। यहाँ पर हर एक वैरायटी के ब्रेड्स मिलते हैं जैसे हम लोग इंडिया में पाव भाजी के लिए खाते हैं ब्रेड वैसा पाव, बर्गर का बंस, टोस्ट के लिए 2-3 तरह के ब्रेड और रेगुलर ब्रेड्स। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रोजन मीट है, चिकन, लैम, पोर्क, बीफ और किसी किसी में मैरिनेशन करके फ्रोजन रखा गया है। और यहाँ पे मैरिनेटेड सी फूड भी है अलग अलग वैरायटीज़ के। और ये रहा सैलेड का डिपार्टमेंट। यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के ड्रेसिंग्स वगैरह है, सैलेड्स का गार्निशिंग है, टॉपिंग्स है और हेल्दी जूसेस भी है अलग अलग वैरायटीज़ के और कुछ ग्रीन्स भी है सैलेड्स के लिए। और आप देख सकते हैं सैल्मन, टूना वगैरह भी रखा गया है जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो ये रहा डेयरी का डिपार्टमेंट। यहाँ पर दूध, दही, डिफरेंट वैरायटीज़ के योगर्ट और मिल्क रिलेटेड ड्रिंक्स हर एक चीज़ मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे योगर्ट में भी 2-3 वैरायटीज़ है और आप चूज़ कर सकते हैं लो फैट आप कंज्यूम करना चाहते हैं या हाई फैट। और ये रहा मिल्क वगैरह। इस मिल्क में भी 2-3 वैरायटीज़ है, फ्लेवर्ड मिल्क भी है और मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लोग अपने घर के लिए लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, ये आता है 79 सेंट्स का, यही वाला हम लोग अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। और ये रहा चिकन का काउंटर। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के कट्स में मिलेगा चिकन, प्रोसेस्ड चिकन और आपको रेगुलर चिकन भी मिलेगा अलग अलग रेट्स में, कुछ बोन वाले और कुछ बोनलेस। और यहाँ आप देख सकते हैं होल चिकन, यही चिकन है जो आपको 3.77 पर केजी में मिलता है, 3.77 यूरो पर केजी। और यही वाले हम लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे घर पे इस्तेमाल किए गए कुछ बेसिक चीज़ें
जैसे फ्लोर मैट्स, कर्टन्स, ट्यूब लाइट्स और बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल्स, ये सब भी मिलते हैं और कुशन्स वगैरह भी है। ये रहा चीज़ का सेक्शन। काफ़ी सारे वैरायटीज़ में चीज़ है। यूरोपियंस अपने खाने में चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे है प्रोसेस्ड चीज़, जैसे स्लाइस किए गए, ग्रेटेड किए गए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के। और ये रहा पिज़्ज़ा का सेक्शन। यहाँ काफ़ी वैरायटीज़ के पिज़्ज़ा अवेलेबल है। हर एक वैरायटी का डिफरेंट प्राइस है और ये सब रेडी टू ईट है। जस्ट आपको बेक करना होता है और कंज्यूम करना होता है। फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी हैं। और ये रहा फ्रोज़न वेजिटेबल्स, जो कि आपको सिर्फ डिफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल करना होता है। पे है डिफरेंट वैरायटीज़ के सॉसेस और सूप्स, जो कि आप अपने पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा पास्ता का सेक्शन। यहाँ हर एक वैरायटी के पास्ता आपको मिलेंगे। और ये जो पास्ता है, पेने आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं 98 सेंट्स का। यही वाला है जो हम लोग मैक्सिमम टाइम में अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सब भी है डिफरेंट वैरायटीज़ के पास्ता। हर एक वैरायटी का अलग अलग प्राइस है। सारे पास्ता इधर 500 ग्राम्स के पैकेट में बनाए गए हैं। और एकदम से पास्ता के बगल में आपको मिलेंगे राइस। ये आप देखिए, 1 किलो का पैकेट बनाया गया है। आपको मिलता है यहाँ पर पार बॉयल्ड राइस 99 सेंट्स का। और यहाँ पे बासमती राइस भी है, जो कि आपको 1.99 सेंट्स का, लगभग 2 यूरो का आपको 1 किलो का मिलता है। और ये रहा चीनी और मैदा का सेक्शन। 1 किलो चीनी का पैकेट आपको मिलेगा 79 सेंट्स में। ये चीनी हमारे इंडिया में मिलने वाले चीनी से अलग है। ये सब ग्राउंड चीनी है, मतलब पीसा हुआ चीनी। और मैदा आपको मिलेगा 1 किलो का पैकेट, ऐसे ही कागज़ के पैकेट में बनाया हुआ है। तो 1 किलो पैकेट का प्राइस है 39 सेंट। ये है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। ये आपको 1 ठो मिलेंगे 99 सेंट्स के। और इसमें याद है आपको मैंने पहले बताया था, प्लास्टिक बॉटल रिटर्न करने पे 25 सेंट वापस मिलते हैं। और यहाँ पे है एग्स के सेक्शन। यहाँ पे एग्स में भी काफ़ी वैरायटी है। जैसे हमारे इंडिया में देसी अंडे मिलते हैं, तो यहाँ पे ये लोग देसी अंडे को बायो एग्स बोल के बेचते हैं। और अलग अलग वैरायटीज़ के एग का अलग अलग प्राइस है। हर एक कार्टन में आपको 10 पीस मिलेगा। और हम लोग अपने घर में जो अंडे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है 10 पीस का सेट, जैसा मैंने आपको बताया। ये लगभग हमारे इंडिया में जो पोल्ट्री एग मिलते हैं वैसे ही है। 1.29 सेंट्स का मिलता है ये 10 पीस का सेट। और ये है ऑयल, जो हम लोग अपने कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वाइट ऑयल जो हम लोग, जैसे सोयाबीन ऑयल है तो सनफ्लावर ऑयल है, तो वैसे ही ये ऑयल है। ये रेगुलर कुकिंग के लिए बेस्ट है। ये आपको मिलते हैं 1.19 सेंट्स का। और यहाँ पे कुछ और वैरायटीज़ के ऑयल्स हैं, जैसे ट्रफल ऑयल, सिसेमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब में भी 2-3 वैरायटीज़ के अवेलेबल हैं। तो फाइनली हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया। और हमारे पी फंड में जो अमाउंट कलेक्ट हुआ था बॉटल से, वो भी इसी अमाउंट से डिडक्ट हो चुका है। तो चलिए अब अपना कार्ट हम लोग रख लेते हैं और उसमें जो कॉइन इंसर्ट किया गया था वो हम लोग निकाल लेते हैं। और ये हमारा कॉइन भी निकल गया और कार्ड भी लॉक हो गया।